नगरकटाको एकलव्य रेसिडेन्सियल स्कूलमा स्थानीय विद्यार्थीवर्गलाई चालिस प्रतिशत भर्नाको माग गर्दै अभिभावकहरू लगातार रूपमा आज चौथो दिन पनि धर्नामा बसेका छन् अभिभावकहरूको माग अनुसार खण्डमा एकलव्य रेसिडेन्सियल स्कुल भएर पनि तर स्थानीय छात्र छात्राहरूले उक्त स्कुलमा भर्ना पाउँदैनन् त्यसैले उक्त स्कुलमा चालिस प्रतिशत स्थानीय विद्यार्थीहरूको भर्ना गरिनुपर्छ भन्ने माग लिएर आफूहरू धरनामा बसेको बताएका छन् धरना दिएको आज चार दिन बितिसक्दा पनि धरना स्थलमा कुनै राजनैतिक दलका नेता अथवा कुनै प्रशासनिक अधिकारी लगायत मन्त्रीहरू आन्दोलनकारीहरूबीच नआएको बताउँदै आन्दोलनमा सामेल बनेका

जो आंदोलन चार दिन हो गया आप लोग प्रशासन की ओर से कुछ आप लोग आश्वासन मिला अभी तक आश्वासन नहीं मिला है हम लोग कहीं से फोन आया कहीं से भी फोन नहीं आया है कोई मिलने आया आप लोग धरना स्थल में तक कोई मिलने नहीं आया है कितना दिन तक इस तरह आंदोलन चल रहा है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग बैठेंगे इसी तरह अनिल आज कितना दिन हो गया आप लोग के विषय क्या आप लोग मांग हम लोग को मांग है कि फोर्टी परसेंट हम लोग को मिलना चाहिए रिजर्व में और इतना दिन से बैठा हुआ अभी तक कोई नहीं आया है हम लोग को लोकल बच्चा के लिए हम लोग सुझो सुविधा नहीं पा रहा है इसलिए हम लोग धरना में बैठा है जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग बैठते रहेगा हम लोग बेटा बेटा लोग लोग बेटी के लिए भविष्य के लिए हम लोग लड़ रहा है हम लोग ऐसा कोई नहीं बैठ रहा है हमें बर्बाद नहीं कर रहा है हम लोग कब तक आंदोलन चलेगा चलेगा जब तक हम लोग ऊपर मोहडर नहीं आएगा तब तक हम लोग बैठे रहेगा ऐसा ही मेरा नाम राजू महली है कहाँ से आई बामन ये भी आप है कुछ अभी तक नहीं आया है कल आप लोग तो बोला अभी हाथ में कुछ नहीं है मैं अभी कुछ कर नहीं सकता हूँ बोला तो इसी तरह कब तक ये आप लोग का मांगे पूरी नहीं होते तब तक हमें हम लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे क्या मांग है आप लोग का हम लोग मेरा हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का फोर्टी परसेंट रिजर्वेशन होना चाहिए हम